Assalamu alaikum, everyone, welcome back. Kaise aap Today, I'm gonna show you the cocoons produced by the silkworms, and this is the uh, staff room of our zoology department. सो so, अब हम जाएंगे जो हमारी बॉटेनिकल गार्डन है कॉलेज की उस तरफ क्योंकि वहीं पर ककुंस को रखा गया है सो so, अशोक मामा सिद्धि मैम और वागमारी सर आगे जा चुके हैं ये हमारा जो बॉटेनिकल गार्डन है यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरह से जाने के लिए जगह बनाई जा रही है और ये हमारे एच का ऑफिस सो हेयर वी आर यहाँ पर हमने जो सिल्कवर्म्स लाए थे उस दिन uh, उनको यहाँ पर प्लेस किया था दिस इज़ आवर बोटेनिकल गार्डन ऑफ कॉलेज हमारी जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है एक्जैक्टली exactly उसके टेरिस एरिया पर बॉटनी डिपार्टमेंट है सो so, नियर अबाउट यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स हैं So, you can see here, this is our reputed and well known college, Yogeshwari Mahavidyalaya, sericulture product of zoology department.

फिफ्टी सेवन और फिफ्टी एट हम भी इसको uh, इस फॉर्म में देख रहे हैं जब ये लाए गए थे हम यहाँ पर नहीं आ सके क्योंकि बीच में कुछ हॉलीडेज आ चुके थे सो वी वे नॉट प्रजेंट इन द कॉलेज देर वॉज नो लेक्चर और स्टूडेंट्स भी जा चुके थे एज सुन एज वी गॉट टू नो कि जो सिल्क वर्म्स हैं उनसे ककून्स प्रोड्यूस हो चुके हैं सो वी वे हेयर टू वॉच दैम at the time of our bsc graduation uh we used to sit here and uh, हमारा जो थियरी एंड प्रैक्टिकल लेक्चर्स के बीच जो इंटरवल होता था हम वो यहीं स्पेंड करते थे सो so, कुछ मेमोरीज होनी चाहिए कुछ स्नैप होनी चाहिए एंड अशोक मामा रिटायर होने वाले हैं सो so हमने सोचा कि उनके साथ एक स्नैप रख लें एज अ मेमोरी एंड काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया था सो आई थाट आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर लूँ सो आई कैप्चर्ड इट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये आप देख सकते हैं ये ककून बता रहे हैं किस तरह से ये उनकी जो एक नेट प्रोवाइड की जाती है उस पर भी ये ले करते हैं इस तरह से ककून बन जाते हैं और अब आ चुके हैं बर्थडे मामा सो वेलकम बर्थडे मामा और बर्थडे मामा अशोक मामा बहुत डेस्परेट थे कि ये व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी और ये अशोक मामा का आइडिया था कि इस तरह से फ़ोटो ली जाए ताकि ये अच्छे से याद रहे और मैं नहीं हूँ इसमें इसलिए सिद्दीकी मैम ने कहा कि आप जाकर खड़े रहें मैं आपकी अच्छे से वीडियो लेती हूँ एंड वी आर हैप्पी दैट वी हैव वन मेमोरी विद अस और uh, इस तरह से ये ककूंस जो है कम्प्लीटली फॉर्म हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बैक टू होम सीदीखिए मैम को कॉल आ गई थी और मैंने उनसे कहा था कि हम ककून के साथ सेल्फी लेंगे क्योंकि मैंने सेल्फ वो उनके साथ ली थी तो मैंने वही रिक्रिएट करने के लिए कहा था लेकिन हमें जाना होगा और टाइम हो चुका है सो तो अब हम जो एग्ज़िट गेट जो कि बहुत दिनों से बंद था अब ये यहाँ से इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है आप देख सकते हैं पार्किंग के पास से है और हम यहाँ से कभी नहीं आते हैं फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि शॉर्टकट है और कॉलेज अथॉरिटी के कुछ लोग आए हुए थे और सर वगैरह भी थे सो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और मैं अपनी स्कूटी देख रही हूँ और ये है हमारे कालू मामा जो कि पार्किंग में बहुत एक्सपर्ट हैं और ये मेरी स्कूटी नहीं है ये वाली है मेरी स्कूटी जो रेड है प्लेजर है और वाघमारे सर हंस रहे हैं क्योंकि मैंने पार्किंग को भी नहीं बख्शा व्लॉगिंग के लिए सुनाओ आई एम गोइंग अल्लाह हाफिज